और जो ये लाइट हाउस जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे एशिया का सबसे पहला लाइट हाउस है। ये 1846 में बनाया था पोर्चुगीज ने। तो अभी हम निकल गए हैं पंजिम से, तो अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले आज जो हम कवर करेंगे, वैसे तो हम आज जाके रुकेंगे बागा में, और अभी हम जा रहे हैं रियाज मागोस फोर्ट। वैसे हम पहले रियाज मागोस फोर्ट जाएंगे, देन हम फोर्ट अग्वाडा जाएंगे। तो अभी पहले हम चल रहे हैं रियाज मागोस फोर्ट, और ये पंजिम से पास है, ऑन द वे ही है फोर्ट अग्वाडा के। तो अभी हम ब्रिज पे हैं और ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं मांडवी रिवर को। मांडवी रिवर पूरे गोवा की सबसे बड़ी रिवर है। देखो ब्रिज भी बहुत बड़ा, अच्छी चौड़ी है। और ये जो अभी हम चल रहे हैं, ये रियाज मागोस गांव है, इसी गांव के नाम पे ही इस फोर्ट का नाम है। आज मंडे है और आज के दिन रियाज मागोस फोर्ट बंद होता है, अभी अभी मुझे पता लगा किसी से। और लेकिन हमें एक अनएक्सप्लोर्ड सी जगह मिल गई, इस बीच का नाम है कोको बीच। ये जस्ट ऑपोजिट रियाज मागोस फोर्ट के है, और ये फोर्ट है ऊपर, ये वॉल दिख रही होगी आपको फोर्ट की, ये बीच है छोटा सा। तो ये अनएक्सप्लोर्ड बीच है ये नॉर्थ गोवा में, और सामने जो दिख रहा है वो सारा पंजिम है, वो सारा, और वहाँ पर वो कैसीनो है वो खड़े हैं। ये है रियाज मागोस फोर्ट का वे, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, और जस्ट इसके एडजेसेंट में है रियाज मागोस चर्च। चर्च भी काफ़ी खूबसूरत है, मैं फिर भी एक थोड़ा सा आपको हल्का सा दिखा देता हूँ गेट से। तो जो रियाज मागोस फोर्ट का यहाँ पर एक बोर्ड सा लगा हुआ है, इसमें टिकट है 50 रुपीज़ की, स्टूडेंट की 25 रुपये की है, चिल्ड्रन अंडर 8 फ्री हैं। यूज़ ऑफ कैमरा इज चार्जेबल, 9:30 से AM से 5 PM तक खुलता है, मंडे क्लोज, आज मंडे है। ऊपर जाके है इसका गेट वहाँ से, एंड जस्ट एडजेसेंट टू फोर्ट ये है चर्च, ये चर्च है, ये है गेट आई थिंक, हाँ ये बास्टियन सिटेडल, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। क्राफ्ट सेंटर है हॉल 1 एंड 2, तो ये वर्थ विजिटिंग, ये गेट बंद है इसका, ये रहा गेट, तो ये वर्थ विजिटिंग जगह है। लेकिन हमारा बैड लक के हमें नहीं देखने को मिला, तो हम यहाँ फोर्ट से चल दिए फोर्ट अग्वाडा के लिए। एंड यहाँ से फोर्ट अग्वाडा दिखा रहा है 9.9 किलोमीटर्स। ये ताज है, ये सेंक्वेरियम बीच पे है, ताज हॉलीडे विलेज करके, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, एक्सपेंसिव है नो डाउट, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। कितने का पार्किंग? 100 का? आते ही देना, अभी देना है, अभी पे करना है, ओके। आगे से राइट साइड में पार्किंग, लेफ्ट साइड में फोर्ट है, ठीक है ठीक है। और ये पार्किंग है चाहे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे? नहीं, फुल डे का है ना, ओके थैंक यू। तो अब हम आ गए हैं अग्वाडा फोर्ट की पार्किंग में, 100 रुपये की पार्किंग लगी, और ये पार्किंग स्पेस है सारा जो आपको दिख रहा है, काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है, खूब सारी कार खड़ी हो सकते हैं आराम से। तो ये फोर्ट अग्वाडा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम है, एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है फोर्ट अग्वाडा को। अभी चल के मैं आ गया हूँ टिकट काउंटर पे, आप जैसे एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, अब यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ, और इंडियन सिटीजन के लिए 25 की एंड फॉरनर्स के लिए 300 की। दो टिकट्स हमने ले लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन, एंड यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, वो जो है वो एंट्रेंस गेट है फोर्ट का, काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। तो जैसे आप अग्वाडा फोर्ट का एंटर करेंगे तो ये आपको नीचे मिलेगा, एक टाइम पे इधर पानी हुआ करता होगा, अब तो खाली है, और ये इसके साथ ये वॉल है, एंड इसके पैरेलल में एक रास्ता बना हुआ है फोर्ट के, अगर आपको पैरेलल बाहर घूमना है तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे टिकट दिखा के, और हम यहाँ से करेंगे एंटर। तो ये है अग्वाडा फोर्ट का, वो अपर डेक है एंड ये लोअर डेक है, अब पहले इधर चलते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे राइट में एंटर करेंगे, देन सबसे पहले ये आएगा लाइट हाउस, बहुत ज़्यादा भीड़ है जहाँ तक नज़र आ रही है, सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं पूरे वॉल में, जैसे कोई मेला लगाओ। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है लाइट हाउस, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, अलग अलग आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जो इंडिया की मशहूर। और जो ये लाइट हाउस जो आपको नज़र आ रहा है, ये
पूरे एशिया का सबसे पहला लाइट हाउस है। ये 1846 में बनाया था पोर्चुगीज़ ने, और ये बेसिकली जो इस फोर्ट को बनाया था पोर्चुगीज़ ने वो इसलिए बनाया था क्योंकि डच बार बार अटैक करते थे गोवा पे, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। तो ये फोर्ट काफ़ी विशाल है और उसमें नीचे की साइड में जेल भी है, उसका रास्ता लेकिन दूसरी तरफ से, जिधर से हम आए तो वहाँ पे लिखा था अग्वाडा जेल। अगर वापसी जाते हुए हमारे पास थोड़ा टाइम होगा तो हम एक बार देखेंगे कि अग्वाडा जेल भी जाएँ। ये है कि वर्थ विजिटिंग प्लेस है ये, अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो। जो अग्वाडा फोर्ट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर डेक एंड लोअर डेक। इस टाइम आप अपर डेक में हैं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं टैंक से, इनमें पानी स्टोर करा जाता था एक टाइम पे। ये सारा जो शिप्स आते थे नीचे लोअर डेक में तो उनको प्रोवाइड करते थे यहाँ से पानी, तो अब तो ये यूज़ में नहीं है। और जो ये अग्वाडा फोर्ट है ये 1612 में बन के कम्प्लीट हुआ था और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये अभी भी, ये जो फोर्ट है। और इसके अंदर एक सिटाडेल है, लाइट हाउस है, दो चीज़ें तो ये हैं ऊपर देखने की, और एक अग्वाडा जेल भी है। बाद में इसको जेल के रूप में भी यूज़ में लिया था पोर्चुगीज़ ने। एक टाइम पे यहाँ पे 79 कैनन्स हुआ करती थी इधर अग्वाडा फोर्ट में। ये भी एक वाटर टैंक है जो अब तो ऊपर से बंद करा हुआ है, तो एक टाइम पे ये सारे पानी से भरे जाते थे। तो ये जो पूरा ये रेड कलर का जितना भी आपको दिख रहा है सारा वाटर टैंक है बहुत बड़ा। तो जो वाटर टैंक है उसके साथ साथ ये जो पूरी वॉल है उस पर चल के आके, और यहाँ से ये पूरा नीचे समुद्र का नज़ारा है। एंड जो वो बोट दिख रही है आपको नीचे, उस तरफ से मांडवी रिवर आके और यहाँ मिलती है अरेबियन सी में। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बड़ा ही अमेजिंग नज़ारा आता है। और अगर आप थोड़ा आगे से ट्रैक करके जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह है नीचे डेविल्स फिंगर करके, तो उसके लिए थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी जगह है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उस जगह का नाम है डेविल्स फिंगर। अभी हम गए थे फोर्ट वो रियास मागोस वो साइड में, वो बाद में बनाया था, नहीं वो पहले बना था इससे, वो पहले बना था। और ये है यहाँ से पूरा इसका व्यू फोर्ट का, इसके यहाँ से इधर जाके और यहाँ से चढ़ के इधर से वॉल के एडजेसेंट आएंगे तो यहाँ से आपको ये एंट्री पॉइंट का व्यू दिखेगा। तो ये भी एक ऊपर है, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है जहाँ पर आप फोटोज़ ले सकते हैं बहुत अच्छे, जो इधर है। तो जो ये अग्वाडा फोर्ट है इसके जो मेन एंट्रेंस पॉइंट पे, जो ये मेन गेट है, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है पार्किंग के साथ में। तो आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब अग्वाडा तो हमने पूरा कवर कर ही लिया और अब यहाँ से हम चलेंगे कांदुलिम बीच की तरफ। तो ये अब हम आ गए हैं उधर से अग्वाडा फोर्ट से कांदुलिम में, और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, होटल्स हैं, खाने के ऑप्शन हैं। तो ये है अल्कोहल म्यूज़ियम ट्रिपल ए अबाउट अल्कोहल। इसमें सब कुछ अल्कोहल के बारे में बताया गया है कि कैसे फैनी वगैरह बनती है। तो इसका अभी है बजे एक, और जो इसका टाइमिंग है अभी मैंने भैया से पूछा 3 बजे खुलता है, 3 से 9 बजे तक खुलता है ये, तो अभी तो बंद है। और इसका जो अंदर की डिज़ाइनिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छी करी हुई है, ऐसा है ये अंदर से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या करें अभी 1 बजे तो ये खुला नहीं है, तो अभी तो हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं कांदुलिम बीच। तो ट्रिपल ए अल्कोहल म्यूज़ियम तो था बंद, उससे मात्र करीब करीब 500-600 मीटर दूर है ये कालामारी जो शैक है। ये पूरे कांदुलिम बीच का वन ऑफ द बेस्ट, क्या बेस्ट ही शैक है। अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कालामारी कैसा है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ी पर्सनल पार्किंग है इनके पास। ये कालामारी की किचन है, ये बैक साइड से उसकी एंट्री है और फ्रंट में ये बीच पे शैक है। और आप देख सकते हैं एम्बियंस इसका, तो ये जो कांदुलिम बीच पे, ये मैं पर्सनली मैं तो यही कहूँगा कि ये बेस्ट शैक है कांदुलिम बीच की। Just see the ambience of Kalamari. तो इससे जो हम कालामारी में आए हैं अभी, उससे बाहर निकल के ये व्यू है। तो एक्चुअल में ये जो है इधर, ये है सेंक्वेरियम बीच, एंड जो इस तरफ है ये है कलंगूट बीच। तो एक बार चल के एक बार बीच का नज़ारा ले लेते हैं। जो ये आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये है सेंक्वेरियम बीच, एंड जो उस साइड में दिख रहा है वो है कलंगूट बीच। तो
वेव्स देखो कितनी ज़्यादा तेज हैं। कांदोलिम इन कंपैरिजन टू बागा और कलंगूट के मुकाबले थोड़ा सा कम क्राउडेड है, पीसफुल है। उसमें सबसे ज़्यादा क्राउड होता है कलंगूट पे और सेकंड नंबर पे होता है बागा पे। लेकिन ये कि बागा सबसे हैपनिंग बीच है, स्पेशली उसकी टीटोज लेन। तो आज शाम को हम चलेंगे वहाँ पे टीटोज लेन में। तो ये हमने कालामारी में मंगाई है वेज चाउमिन और ये 400 रुपीज़ की है, लेकिन क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। इसकी देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है क्वालिटी इसकी, और मैं खा के बताता हूँ आपको कैसी है। टेस्टी है, थोड़ा सा नमक तेज़ करा हुआ है लेकिन टेस्टी है। वैसे अच्छी, इसमें भी हमने सॉसेजेस नहीं मिलाई हैं, वो मिलाने के बाद और टेस्ट इसका एनहांस हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक बार चलेंगे कांदोलिम जो मेन बीच है, वो यहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। यह है कांदोलिम बीच रोड, जो मेन रोड है जो कांदोलिम बीच को जाता है। इस पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं और रोड पे टर्न लेने के बाद करीब 300 या 400 मीटर चलने के बाद बीच आ जाता है। इन्फर्नो गोवा, ये भी काफ़ी अच्छा है इन्फर्नो। तो ये है यहाँ से जो मेन कांदोलिम बीच साइड जाने का रास्ता है। तो राइट साइड में भी बहुत बड़ी पार्किंग है, उस पर पार्क करेंगे हम चल के। ये मेन कांदोलिम बीच की पार्किंग है और इसके जो चार्जेज़ हैं वो हैं 100 रुपये। हमने अपनी कार के 100 रुपये चार्जेस दिए हैं पार्किंग के यहाँ पे। और ये मैंने अभी जो पार्क करी है जस्ट नेक्स्ट टू टोमेटोज करके है ये शैक, ये भी अच्छा शैक है। तो इसके जस्ट एडजस्टमेंट करी है, अब मैं बीच पे जा रहा हूँ इसके साइड में से। तो ये है मेन कांदोलिम बीच। अच्छा, इंडिविजुअल करेंगे तो 1500 का पैराशूट राइड है, जेट स्की 600, बोट राइड 1800। ये बोट राइड कौन सा, डॉल्फिन बोट राइड है? स्पीड बोट है। अच्छा अच्छा, और बम्पर बोट 600 है। ओके ओके, आपको रेट दिखाए थे कल मजौड़ा में, वो इससे सस्ते थे थोड़े से, क्योंकि ये साउथ गोवा है, ये नॉर्थ गोवा है, ये महंगा है। और अब यहाँ देखो कितनी भीड़ है। तो ये क्योंकि ये मेन वो है कांदोलिम बीच, तो यहाँ पर तो आपको सारी भीड़ ही भीड़ दिखेगी। हम अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर उधर थे उस साइड में, वो सिंक्वेरियम बीच है, उसके थोड़ा सा पास में कालामारी है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए कि अभी जब हम कालामारी के सामने थे वहाँ कोई भी नहीं था और यहाँ पर टोटल रश है। यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे शैक हैं, ये रे जैसे ये बोट शैक, लॉरेंस शुगर एंड एलेक्स। लेकिन यहाँ क्राउड आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा देखने को, पानी काफ़ी साफ है। मैंने नोटिस करा है जो कांदोलिम बीच है इन कंपैरिजन कालंगूट और बागा, यहाँ का थोड़ा सा पानी बेटर है इसका और सिंक्वेरियम बीच का। कह रहे इन्जॉयमेंट कर रही है पानी के अंदर। मैंने जीन्स पहनी हुई है इसलिए मैं नहीं जा रहा, गलती करी, शॉर्ट्स पहन के आना चाहिए था यहाँ। तो अभी यहाँ से हम कांदोलिम से निकल गए और कांदोलिम में काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग माहौल हो रखा है, पूरा खचा खच भरा हुआ है इस टाइम गोवा में। स्पेशली जब से हम नॉर्थ गोवा में आए हम देख रहे हैं पूरा काफ़ी अच्छा रश है। तो ये बहुत अच्छी बात है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए कि लोग अब दोबारा आना शुरू हो रहे हैं और गोवा जो उसकी रियल फील है वो चीज़ दिख रही है अब।